और ये वो स्कूल है जिसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने इन गांव के लोगों को दिया था। यहां पर उनकी आज भी वो दी हुई लाइब्रेरी है जिसकी तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे। हम उस लाइब्रेरी के बिल्कुल ठीक बाहर हैं, आइए हम इसके भीतर का नजारा आपको दिखाते हैं। ये वही लाइब्रेरी है जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर आए थे और लोगों से उन्होंने बात की थी और लोगों ने यहां पर एक मिडिल स्कूल की मांग की थी। उस मिडिल स्कूल की ये लाइब्रेरी है। सबसे पहले यहां की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर रखी हुई तमाम वो किताबें हैं जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लाइब्रेरी के लिए दी थी ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे इन्हें पढ़ सकें। यहाँ पर अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी, और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर रखी हुई किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं। यहाँ के हेडमास्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश। सर, यहाँ पर कितनी किताबें हैं और देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री ने ये किताबें दी थी? सर, यहाँ पे लगभग 4077 बुक्स हैं जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें इस पुस्तकालय के लिए दी हैं। बच्चे काफ़ी इनसे ज्ञान हासिल करते हैं। बाल कहानियाँ हैं, हिंदी साहित्य है, हिंदी उपन्यास हैं और साथ ही कविताएं की कुछ बुक्स जो हैं वो हमको इस लाइब्रेरी को दी हुई हैं। 2006 में जब आखिरी बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उस दौरान कौन थे यहाँ, क्या कुछ यादें उनसे जुड़ी? हाँ सर, हम तो सिर्फ उनके यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा उनकी यादें जो हैं वो उनका एहसास हो जो उन्होंने हमें इस विद्यालय के लिए भरपूर योगदान दिया है। टीचर्स भी हमारे साथ हैं। सर, कभी बच्चे आपसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, क्योंकि ये गांव उनका है? जी ज़रूर, बच्चे ज़रूर पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रधानमंत्री जी का गांव है और वो हमेशा जब भी कुछ फंक्शंस होते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं कि अभी क्या वाजपेयी जी भी आएंगे। तो इस तरह की मतलब उनके साथ भी कुछ यादें हैं, उन्हें पता है कि गांव उनका है तो कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आएंगे, ज़रूर पूछते रहते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है तो उनकी याद मतलब ज़रूर करते हैं बच्चे।